प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं वो मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अपन ने साहित्यिक स्रोत देख लिए हैं, पुरातात्विक स्रोत देख लिए हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अपन ने अशोक के अभिलेखों की बात करी है और साहित्यिक स्रोतों के अंदर अपन ने महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके संदर्भ में अपन ने बात करी। बौद्ध ग्रंथ की पुस्तकें हैं, साहित्य जैन ग्रंथ की पुस्तकें हैं और अन्य जो पुस्तकें हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है उनके संदर्भ में अपन ने बात करी। अब अपन बात करते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में अपन महत्वपूर्ण बातें करें। चंद्रगुप्त मौर्य है, देखिए इसका जो कार्यकाल था ये 322 से 298 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम साम्राज्य संस्थापक है, प्रथम भारत के अंदर साम्राज्य संस्थापक है, भारत में साम्राज्य संस्थापक है प्रथम। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने नंदो चंद्रगुप्त 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 का नंदों पर आक्रमण, नंदवंश था ना, नंदों पर आक्रमण, नंदों पर आक्रमण की जानकारी है ये मिलिंदो पनहो से मिलती है। कौन से ग्रंथ से मिलती है? मिलिंदो पनहो से मिलती है। अब देखिए, इसकी जाति को लेकर विभिन्न मत हैं, जाति को लेकर विभिन्न मत हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जाति देखिए इसकी विभिन्न मत हैं, कौन कौन से मत हैं प्रचलित। पहला तो देखिए अपन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से? विष्णु पुराण, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव का है। नेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र का है, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है। इस इन ग्रंथों के अंदर मौर्यों को या चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। अब आगे देखें तो देखिए, जैन ग्रंथों के अंदर जैन जो ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण, इससे पहले देखिए जैन वह बौद्ध ग्रंथ है, यह है मौर्य को क्या बताते हैं? क्षत्रिय बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे देखिए परिशिष्ट पर्वण, परिशिष्ट पर्वण है ये एवं चंद्र, हेमचंद्र का है, ये मौर्यों को बताता है मौर पालकों की पुत्री का पुत्र। नेक्स्ट देखिए तो देखिए दिव्यावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान की बात करें तो इसमें भी इसको क्षत्रिय बताया गया है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, इसमें मौर्यों को वर्षल या कुलहीन कहा है, कुलहीन यानी छोटी जाति का। नेक्स्ट है यूनानी, यूनानी है, यूनानी कौन कौन से? जस्टिन, प्लूटार्क, जस्टिन है प्लूटार्क, इस इन्होंने मौर्यों को हम्बल ओरिजन कहा, हम्बल ओरिजन कहा यानी साधारण कुल का।
हम्बल ओरिजिन यानी साधारण कुल का। नेक्स्ट है स्पूनर। स्पूनर इसको पारसिक मानता है मोरियो को। नेक्स्ट है रोमिला थापर। रोमिला थापर है ये मोरियो को वेश्या बताती है। रोमिला थापर की पुस्तक है एक अशोक एंड दी डिक्लाइन ऑफ मोरियाज। डिक्लाइन ऑफ मोरियाज ये पुस्तक है साहब रोमिला थापर की। नेक्स्ट अपन बात करें तो पहले इसको समझते हैं अपन। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बातें बनेंगी चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। देखिए भी 322 से 298 ईसा पूर्व इसका शासन काल था। भारत के अंदर प्रथम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से नंदों पर आक्रमण किया और नंदों के ऊपर विजय प्राप्त करी, ये कौन से ग्रंथ से अपने को जानकारी मिलती है? मिलिंदोपनों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि मौर्यों की जाति को लेकर के विद्वानों के अंदर मतभेद है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या बताते हैं, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? विष्णु पुराण, कथासरित सागर किसका है? सोमदेव का। बृहत कथा मंजरी किसका है? क्षेमेंद्र का। ये जो ग्रंथ हैं ये मौर्यों को क्या बताते हैं कि शूद्र थे साथी। अब अपन बात करें जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ मौर्यों को क्या बताते हैं? क्षत्रिय बताते हैं। परिशिष्ट पर्वण है ये हेमचंद्र की लिखी हुई एक पुस्तक है। इसके अंदर क्या बताया गया मौर्यों को कि मौर्य जो थे या चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर पालकों की पुत्री का पुत्र था, इसलिए इनका सरनेम मौर्य पड़ा। विशाख सॉरी दिव्यावदान है, इसके अंदर क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए मुद्रा राक्षस है जो विशाख दत्त की लिखी हुई है। इसमें देखिए इसके अंदर मौर्यों को वर्षल कहा है। वर्षल, वर्षल का मतलब होता है कुलहीन। कुलहीन यानी निम्न जाति का। यूनानी है, यूनानी कौन कौन से इतिहासकार है? जस्टिन और प्लूटार्क। जस्टिन और प्लूटार्क है यह है मौर्यों को हम्बल ओरिजिन कहते हैं यानी साधारण कुल के कहते हैं। स्पूनर है ये मौर्यों को पारसिक बताता है। रोमिला थापर है ये मौर्यों को क्या कहती है? वेश्य थे मौर्य, वेश्य थे। रोमिला थापर की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? अशोक एंड दी डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। ये किसकी पुस्तक है? रोमिला थापर की पुस्तक है। तो ये बात हुई इनकी जाति को लेकर के जो इंपोर्टेंट बात बनती है जाति से संबंधित। अब अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है इसके कुछ नाम हैं ये मिलते हैं और इन नामों की अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है कुछ जो एग्जाम के लिए बड़े इंपोर्टेंट नाम बनते हैं साहब। तो देखेंगे इनमें अपन कौन कौन से नाम है इसके। तो देखिए आप नाम देखेंगे इसके चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ नाम है। पहला नाम है यहाँ पर देखिए सेंट्रो या सेंड्रो कोटस। ये नाम किसने दिया है? स्ट्रेबो। और एक है जस्टिन। इन दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रो कोटस कहा है। दो नंबर पे एंड्रो कोटस। एंड्रो कोटस है ये प्लूटार्क के वह एरियन ने कहा। नेक्स्ट है एंड्रोकोक्टस। एंड्रोकोक्टस है ये फिलार्कस इसका नाम देता है। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस की पहचान सेंड्रो कोटस ही चंद्रगुप्त था ये किसने कहा? सबसे पहले विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कहा सबसे पहले। अब अपन बात करते हैं जैन ग्रंथों में इसे विशाखा
विशाखा चार कहा गया है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का नाम है, यह है चंद्र श्री आता है। नेक्स्ट देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का उल्लेख है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए, पतंजलि की महाभाष्य में साहित्यिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ। अच्छा क्वेश्चन बनता था अभी। नेक्स्ट देखेंगे, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त यानी एंड्रोकोटस सिकंदर से मिला था। नेक्स्ट है, प्लूटार्क और क्या कहता है कि चंद्रगुप्त ने 600,000 की सेना लेकर के संपूर्ण भारत है इसको रौंद दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जस्टिन क्या कहता है। देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने दास्ता का जुआ किसकी मदद से उतार दिया, चंद्रगुप्त की मदद से उतारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त राजकिलम खेल से किसको प्रभावित किया, चाणक्य को प्रभावित किया। नेक्स्ट है, चाणक्य ने 1000 कारसापण मुद्रा में किसको खरीद लिया, चंद्रगुप्त को खरीदा और कहां पर ले गया, तक्षशिला ले गया और वहां पर 7 से 8 वर्षों तक चंद्रगुप्त को क्या किया, शिक्षा दी। देखिए अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त के कुछ प्रमुख नाम है जो इंपोर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिए। सेंड्रोकोटस है, कौन कहता है, स्ट्रेबो जस्टिन, ठीक है साहब। एंड्रोकोटस है, कौन कहता है, प्लूटार्क एरियन। एंड्रोकोप्टस है, ये कौन कहता है, फिलार्कस। एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है, इसकी पहचान करने वाला सबसे पहले कौन था, विलियम जोन्स। अच्छा क्वेश्चन है, यानी सेंट्रोकोटस को ही चंद्रगुप्त कहा, सर्वप्रथम किसने कहा, विलियम जोन्स ने कहा। जैन ग्रंथों में इसे विशाखाचार कहा गया है। मुद्रा राक्षस के अंदर इसका नाम चंद्रश्री मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। अब अपन बात करते हैं पतंजलि की महाभाष्य के अंदर साहित्यिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी साहित्यिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य नामक शब्द है सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो कहां मिलता है, पतंजलि की महाभाष्य में मिलता है। अब अपन बात करें प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त के बारे में कि यह सिकंदर से मिला था। और एक कथन और प्लूटार्क का चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त ने 600,000 की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद दिया। अब जस्टिन है ये कहता है प्लूटार्क इसके चंद्रगुप्त के बारे में
कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी दासता का जुआ चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उतार फेंका। ये किसका कथन है? जस्टिन का कथन है। अब चंद्रगुप्त मौर्य है, यह है बचपन में राज किलम खेल खेल रहा था, जिस खेल से इसने किसको प्रभावित किया? चाणक्य को प्रभावित किया। इसकी जो प्रारंभिक जीवन की कहानी है ये बड़ी विवादास्पद है, तो इसके ऊपर अपने को नहीं जाना है। तो देखिए, राजकिलम खेलते समय इसको प्रभावित करता है, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक शिकारी इसको खरीद लेता है, और इस शिकारी के पास में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदता है अजार कारसापण नामक मुद्रा दे करके, और फिर इसको तक्षशिला ले जाता है, और तक्षशिला ले जा करके 7 से 8 वर्षों तक इसको क्या कर देता है? शिक्षा देता है। 7-8 वर्ष तक इसको शिक्षा देता है, यानी शिक्षित करता है। अब आगे देखिए आप। आगे और कौन सी इंपॉर्टेंट इसमें बात बनती है वो अपन देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट देखिए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस के अनुसार, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य के मार्गदर्शन में, चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदवंश का अंत हुआ। नंदवंश का अंत हुआ किसके हाथ? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ। अब इसके समय कुछ युद्ध हुए हैं, युद्धों के अपन चर्चा कर लेते हैं। 305 BC यानी ईसा पूर्व में सेल्यूकस यूनानी शासक, सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? चंद्रगुप्त की विजय होती है। कौन सी नदी के किनारे युद्ध होता है? साहब, सिंधु नदी के किनारे युद्ध होता है। दोनों के मध्य संधि होती है, दोनों के मध्य संधि होती है। संधि देखिए, संधि में चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको चार प्रांत मिलते हैं, संधि के अंदर कौन कौन से प्रांत मिलते हैं इसके अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रांत है ये है अर्कोशिया, जो वर्तमान कंधार है। दूसरा है गेंड्रोसिया, ये है बलूचिस्तान, नेक्स्ट है प्रोपनिसादे, ये है काबुल, वर्तमान नाम काबुल है, और एरिया ये वर्तमान हेरात है। ये चार प्रांत हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिए जाते हैं सेल्यूकस द्वारा। नेक्स्ट है अपनी पुत्री, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, या कार्नेलिया, का विवाह कर देता किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और यह है जो विवाह है, यह है प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है यह माना जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूकस ने अपना राज दूत है, यह है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। दोनों के मध्य हिंदू कुश
हिंदुकुश पर्वत है इसकी सीमा बन गई। नेक्स्ट है प्लूटार्क के अनुसार, प्लू प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, उपहार में दिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भारत आने से पहले, भारत आने से पहले अराकोशिया, अराकोशिया के राजा सेबल्टीज का दरबारी था। सेबल्टीज का दरबारी था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं अपन। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, इससे चंद्रगुप्त की सहायता से, या चंद्र सॉरी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त है ये नंदों का अंत करता है, ये जानकारी मिलती है। इसमें युद्ध होता है किन किन के मध्य, 305 बीसी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, नदी कौन सी थी, सिंधु, और दोनों के मध्य एक संधि होती है। इसमें विजय इस युद्ध में कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है, दोनों के मध्य एक संधि होती है। संधि के अंदर सेल्यूकस है चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देता है, कौन कौन से प्रांत देता है, अराकोशिया, कंधार, गेंड्रोसिया, बलूचिस्तान, प्रोपनिसादे, काबुल, एरिया, हेरात, ये इसके वास्तविक नाम है वर्तमान में। अब पुत्री सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, एक कई पुस्तकों में इसका नाम कार्नेलिया भी मिलता है, इसका विवाह है यह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देता है। यह विवाह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्यूकस अपना राजदूत है, यह है मेगस्थनीज, सेल्यूकस अपना राजदूत मेगस्थनीज है, यह किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो सीमा बनती है दोनों राज्यों के मध्य, वो कौन बनता है, हिंदुकुश पर्वत। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे, 500 हाथी उपहार में दिए थे। मेगस्थनीज भारत आने से पहले अराकोशिया के राजा सेबल्टीज का क्या था, दरबारी था, या अराकोशिया के राज्यपाल या प्रशासक सेबल्टीज का क्या था, दरबारी था। आगे देखें आगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है भी वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत विजय है चंद्रगुप्त मौर्य की। ये तमिल ग्रंथ, तमिल ग्रंथ है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय मिलती है, कौन कौन से हैं, अहनानूर और मुरनानूर, मुरनानूर, ये दो ग्रंथ हैं जिससे अपने को क्या पता चलता है कि दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। महावंश टीका, महावंश टीका में चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को सकल, सकल जंबू, सकल जंबू द्वीप का स्वामी बताया, सकल जंबू द्वीप का स्वामी बताया है। अब अपन बात करते हैं सौराष्ट्र पर अधिकार, सौराष्ट्र यानी गुजरात, सौराष्ट्र पर अधिकार है ये जो है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जब अपन साहित्यिक स्रोत कर रहे थे तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की डिटेल से मैंने बात करी थी, वो क्लास आप देख लेंगे। और इसके समय चंद्रगुप्त के समय जूनागढ़ का जो प्रशासक होता है वो कौन होता है, पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त होता है साहब, इसने यहाँ पर नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे देखिए
बांध नहर का निर्माण करवाता है सिंचाई हेतु। यहाँ पर जो आपका सुदर्शन झील है, नहर नहीं सॉरी, झील का निर्माण करवाता है, सुदर्शन झील, सुदर्शन तड़ांग या झील का निर्माण करवाता है, तालाब का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट देखिए, बांग्ला देश पर विजय के प्रमाण कौन से हैं? बांग्लादेश पर विजय के प्रमाण है महास्थान वह सोहगरा या सोहगोरा अभिलेख हैं। दो अभिलेख हैं, इनसे अपने को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बांग्लादेश पर विजय प्राप्त करने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। यहाँ पर महास्थान और सोहगोरा के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य है यह काल से निपटने के लिए क्या करता है, जनता के लिए व्यवस्थाएं करता है। और नेक्स्ट अपन देखें, महास्थान में आपकी बंगाल विजय इसकी जानकारी मिलती है, और एक काकनी सिक्का है, इसमें काकनी सिक्का भी मिलता है, काकनी सिक्का। वैसे इनकी डिटेल से भी मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले साहित्यिक स्रोतों में, आप देख लोगे। नेक्स्ट अपन बात करें अब इसकी मृत्यु, मृत्यु तो देखिए, जैन साधु भद्रबाहु के साथ में कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला, और ये जगह कहाँ पर है? कर्नाटक में है ये जगह। कर्नाटक चले जाते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और कर्नाटक में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से, संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार से किसकी मृत्यु हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी जो दक्षिण भारत की विजय है ये अपने को कहां से मिलती है? तमिल ग्रंथ है एहनानूर और मुरनारू, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। महावंश टीका के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को शकल जंबू द्वीप का स्वामी बताया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सौराष्ट्र विजय का प्रमाण अपने को कहां से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। बांग्लादेश विजय के प्रमाण है ये कहां से मिलते हैं? महास्थान और सोहगोरा नामक अभिलेख मिले हैं, यहां से चंद्रगुप्त मौर्य की बांग्लादेश विजय के प्रमाण मिलते हैं। और यहीं पर एक महास्थान है, ये महास्थान, इसमें बंगाल विजय के प्रमाण और काकनी नामक सिक्का है, इसका उल्लेख है। इन दोनों अभिलेखों के अंदर अकाल के समय बांटे गए अनाज के बारे में जानकारी मिलती है। मृत्यु देखिए, जैन साधु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उत्तर भारत के अंदर अकाल पड़ जाता है। तब क्या करता है? स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ में? भद्रबाहु के साथ में, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। और यहाँ पर 298 ईसा पूर्व जैन विधि के द्वारा, सलेख नया संथारा विधि के द्वारा क्या कर देता है? अपने प्राण त्याग देता है। सलेख नया संथारा एक जैन विधि है जिसके द्वारा मनुष्य के प्राण नहीं निकलते तब तक क्या किया जाता है? अंजल ग्रहण नहीं किया जाता। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य है ये क्या कर देते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रकार अपने प्राण त्याग देते हैं। अब अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिंदुसार की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका पुत्र जो है बिंदुसार, ये शासक बनता है। बिंदुसार, देखिए बिंदुसार के बारे में अपन बात करें तो 298 से 273, 298 से 273 ईसा पूर्व किसका शासनकाल रहता है? बिंदुसार का। देखिए बिंदुसार है, इसकी माता का नाम है दुर्धरा, माता का नाम दुर्धरा, पिता है ये है चंद्रगुप्त, पिता चंद्रगुप्त, माता है दुर्धरा, माता का नाम दुर्धरा है। ये प्रथम सिजेरियन, प्रथम सिजेरियन सम्राट है, ये किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। अब देखेंगे इसके कुछ नाम मिलते हैं बिंदुसार के, तो बिंदुसार के नाम हैं ये, देखिए कौन कौन से नाम मिलते हैं साहब बिंदुसार के, तो अपन बात करें, एक तो है वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण के अंदर इसको भद्रसार कहा गया है,
वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। नेक्स्ट है यूनानी, यूनानी लेखों के अंदर इसका बिंदुसार का जो नाम है ये है अमित्र, अमित्र चेटस, अमित्र चेटस। नेक्स्ट है संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर इसे अमित्र घात कहा गया है, अमित्र घात कहा है। नेक्स्ट है चीनी ग्रंथ के अंदर इसको बिंदु, बिंदुवाल का है, चीनी ग्रंथ में इसको क्या कहा गया साहब, बिंदुवाल का है। और जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में इसको सिंह सेन कहा गया है, सिंह सेन कहा गया है। तो ये सारे के सारे जो नाम मिलते हैं ये किसके हैं, बिंदु सार के। और इसका बिंदु सार का अपन धर्म देखते हैं तो यह आजीविक संप्रदाय का था, आजीविक धर्म का अनुयायी था कौन, बिंदु सार। अब अपन बात करते हैं इसके जो दरबारी थे, दरबारी, दरबारी इसके जो दरबारी थे पिंगल वत्स, पिंगल वत्स के प्रभाव में, पिंगल वत्स के प्रभाव में आजीवक, आजीवक धर्म ग्रहण करता है, आजीवक धर्म ग्रहण करता। अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए आगे महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार इसके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र थे जिसमें सुमन सबसे बड़ा था, सुमन नामक पुत्र सबसे बड़ा था। अब देखिए इसके समय जो विद्रोह हुए हैं और उन विद्रोहों को कौन कौन दबाता है, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में, तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, 2 विद्रोह हुए, 2 विद्रोह हुए। देखिए तक्षशिला की बात करें तो 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह है अशोक ने दबाया, इस समय अशोक जो था यह उज्जैनी, उज्जैनी का गवर्नर था। नेक्स्ट है दूसरा विद्रोह, दूसरा जो विद्रोह हुआ इसको सुसीम ने दबाया, बिंदुसार का पुत्र था, सुसीम इसको दबाने में असफल रहता है, लेकिन इसको उसके बाद किसने दबाया, अशोक ने यह है विद्रोह है दबाया। नेक्स्ट है उज्जैनी के अंदर विद्रोह होता है, उज्जैनी के अंदर जिसको भी किसने दबाया था, अशोक ने इस विद्रोह को शांत किया था। देखिए अपन बात करते हैं बिंदुसार की, 298 से 273 ईसा पूर्व। माता का नाम दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारत का पहला सिजेरियन सम्राट है। अच्छा क्वेश्चन है, यह सिजेरियन राजा है, यानी ये ऑपरेशन से हुआ था। बताया जाता है इनकी मां दुर्धरा को जहर दे दिया गया था और जहर देने से इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इस समय इनकी माता गर्भवती थी और गर्भ को चीर करके बिंदुसार को निकाला जाता है, और जब ये बिंदुसार को गर्भ से बाहर निकाला जाता है तो इनके माथे के ऊपर विष की बूंद पड़ी हुई थी, इसलिए इनका नामकरण क्या कर दिया गया, बिंदुसार कर दिया गया। देखिए इनके जो नाम है ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, वायु पुराण के अंदर इनको भद्रसार कहा गया है, यूनानी लेखकों ने इनको अमित्र चेटस कहा है, संस्कृत में इन्हें अमित्र गात कहा है। नेक्स्ट है चीनी ग्रंथों में इनको बिंदुवाल कहा गया है और जैन ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, आजीविक धर्म के अनुयायी थे। आजीविक धर्म के अनुयायी जो थे ये पिंगलवत्स इनका दरबारी था, इसके प्रभाव में आकर के, और बिंदुसार है ये कौन सा धर्म ग्रहण करता है, आजीविक धर्म ग्रहण करता है। महावंश नामक ग्रंथ के अनुसार इनके 100 पुत्र थे, सबसे बड़ा कौन था इनमें, सुमन था। इसके समय विद्रोह होते हैं, दिव्यावदान है ये बताता है कि तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। तो देखिए तक्षशिला का जो पहला विद्रोह हुआ इसको किसने दबा दिया था,
अशोक ने दबा दिया था। इस समय अशोक किसका गवर्नर था? उज्जैनी का गवर्नर था। दूसरा विद्रोह तक्षशिला में हुआ तो बिंदुसार का बेटा सुसीम है, ये दबाने के लिए जाता है इसको, लेकिन असफल हो जाता है। उसके बाद में इस विद्रोह को किसने दबाया? अशोक ने दबाया। उज्जैनी के अंदर विद्रोह होता है, उसको भी किस कौन दबा देता है? अशोक है, यह है दबाता है। तो ये अपन बात कर रहे थे, कुछ विद्रोह हुए हैं उन विद्रोह के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। अब आगे देखिए बिंदुसार के अंदर और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है ये बनती है। बिंदुसार के अपन बात करें तो देखेंगे बिंदुसार में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए आप। देखिए अब विदेश नीति है बिंदुसार की, ये देखते हैं अपन। विदेश नीति देखिए, सीरिया का शासक जिसका नाम है एंटियोकस प्रथम, इसने बिंदुसार के दरबार में यानी मगध के दरबार में अपना राजदूत भेजा था डायमेकस। कौन सा राजदूत भेजा? डायमेकस भेजा। दूसरा अपन बात करें तो देखें मेगस्थनीज का स्थान है ये किसने ग्रहण किया? डायमेकस ने। मेगस्थनीज है ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, और बिंदुसार के समय प्रमुख जो राजदूत बन जाता है ये कौन बनता है? डायमेकस, यानी मेगस्थनीज का स्थान ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है एंटियोकस से, यानी यही सीरिया का जो शासक है एंटियोकस से बिंदुसार सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगता है। दार्शनिक इन तीन चीजों की मांग करता है, क्या क्या? सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक, जिसमें एंटियोकस दो चीज भेज देता है, सूखी अंजीर और मीठी शराब, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजता है, क्योंकि जो सीरिया का जो कानून है ये दार्शनिकों को बेचने का आदेश नहीं देता है इसी कारण। नेक्स्ट है मिस्र का राजा है टोलमी दित्य फिलाडेल्फस। टोलमी दित्य फिलाडेल्फस ने दरबार के अंदर मगध दरबार में डायोनिसस नामक राजदूत भेजा था। अब आगे देखें, नेक्स्ट देखें तो अपन बात करें इसमें और क्या इंपोर्टेंट बात बनेगी। ये इसकी विदेश नीति है, विदेश नीति देखिए, विदेश नीति में अपन देखिए सीरिया का शासक है एंटियोकस प्रथम, इसने बिंदुसार के दरबार के अंदर डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, और डायमेकस ने किसका स्थान ग्रहण कर लिया? मेगस्थनीज का स्थान ग्रहण कर लिया। डायमेकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगे थे, लेकिन ये दार्शनिक नहीं भेजता है, बाकी चीज भेज देता है। मिस्र का शासक है टोलमी दित्य फिलाडेल्फस, इसके बिंदुसार के दरबार में इसने अपना डायोनिसस नामक राजदूत भेजा था। तो ये बिंदुसार है, और बिंदुसार की क्या थी? विदेश नीति थी। तो बिंदुसार के बाद में अपन बात करेंगे अशोक सम्राट की। तो अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य देखा है और बिंदुसार देखा है, अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी सम्राट अशोक के बारे में। धन्यवाद।